आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अलग तरीके का नाश्ता, और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बहुत से घरों में तो ये बनता होगा, लेकिन जो इसको नहीं बनाते हैं, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ ज़रूर से बनाइएगा और खाइएगा, मेरे को बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और बहुत ही अमेजिंग नाश्ता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। तो इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। तो फिर अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर भी नहीं है और साबुत धनिया भी नहीं है, ये कुटा हुआ धनिया है। ये ही मैं अधिकतर सब्जियों में यूज़ करती हूँ। और थोड़े से मैंने डाल दिया है इसमें जीरा। इनको अच्छे से सोते कर लेंगे। हम इन्हें तब तक भुनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जो हमारे प्याज का क्रंचीनेस है वो नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है इस रेसिपी में। तो हम इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। और लहसुन प्लीज़ इसमें मत डालिएगा, क्योंकि लहसुन का टेस्ट इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और सिंपल ही से बनाइएगा, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ टमाटर, और उसको टमाटर के ऊपर मैं इसे पकाने के लिए इसे डाल दूंगी नमक। और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और या आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं ढककर थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये अपने आप पक के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको नहीं ढका और ना ही मैंने इसमें पानी डाला, तो मैं इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए इसे पका लूँगी। तो मैं इसे इस तरीके से चलाती रही, और जो हमारा टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाएगा अभी। और ये पक चुका है, अभी हम इसमें जो कुछ ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी मटर, और इनको अच्छे से हम पका लेंगे। बिल्कुल कच्चे नहीं रहने चाहिए मटर, बाद में जब हम ये रेसिपी बनाएंगे तो ये बाद में पकने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा इन्हें, तो हम इन्हें पहले से ही चटका लेंगे इस तरीके से भूनते हुए। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हो, ये जो मैं चला रही हूँ इसे भून रही हूँ, इससे बचना चाहते हैं, तो आप अलग बाउल में इन्हें लेके पैन में ले करके इनको दो उबाला देने के बाद इसमें डालिएगा। पानी में डालकर उबाल दे दीजिए इनको, मटर को, उसके बाद इसमें ऐड कीजिएगा, तो आपको इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अभी इसमें डाल दिए हैं आलू, और आलू को मैंने बहुत बारीक काटा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इतना बारीक मैंने आलू को काटा है। अगर आप आलू को मोटा रखते हो तो ये इसमें कच्चा रह जाएगा, क्योंकि सब्जियों को पकने का टाइम नहीं मिलेगा बाद में, इनको पहले से ही पकाना है। बहुत थोड़ा टाइम लगता है इस रेसिपी को बनने में, तो इनको पहले से ही पका लीजिए, अच्छे से भून लीजिए, जिससे कि ये कच्ची ना रहे, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार आएगा अगर कच्ची रह गई तो। तो हम इनको अच्छे से पका लेंगे, और फिर यहाँ पे हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे अपने। तो अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च, गरम मसाला, जो भी आप मसाले खाते हो, जो आपको पसंद है, वो इसमें ऐड कर लीजिए। मैं मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और फिर गरम मसाला डाल दीजिए, और आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो हम हल्दी और इन सभी मसालों को भून लेंगे। हल्दी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो उसका कलर बिल्कुल काला हो जाएगा। हल्की आंच पर हमें इसको भून लेना है। और इसके बाद मैं अभी इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। ये बटर इसलिए है क्योंकि मैं इसमें जो सेवई ऐड करूँगी, इस बटर से ही मैं उनको यहीं पर ही भून लूँगी। नहीं तो हमें पहले सेवइयों को भूनना होता है किसी भी रेसिपी में उनको डालने के लिए, तो पहले हम उनको भून के तैयार करना पड़ता है, फिर उनका कुछ यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं उनको पहले से नहीं भूनती हूँ, इसी तरीके से मसाले में बटर को ऐड करती हूँ और फिर सेवइयों को भून लेती हूँ। तो मैंने इसलिए बटर ऐड किया है, आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपकी सेवइयाँ पहले से भुनी हुई हैं तो। तो देखिए जो बटर है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है, और अभी मैं इसमें जो मेरी सेवइयाँ हैं वो ऐड कर दूंगी, और उनको अच्छे से इस मसाले के साथ ही भून लूँगी। और जो सेवइयाँ हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मैंने पहले एक कटोरी ले ली है, इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और भूनूंगी। तो फिर मैंने दूसरी कटोरी इसमें डालूंगी, अच्छे से जो मिक्स हो जाए, फिर मैं और जो हमारी सेवइयाँ हैं ऐड कर लूँगी।
ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी नाश्ता बनता है, इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है बनाने में। जैसे हम कोई खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ऐसे ही बन के तैयार हो जाता है, और कुछ डिफरेंट भी है, अच्छा लगता है, तो बनाइएगा ज़रूर। और फिर से मैंने इसमें एक कटोरी और सेवइयों की डाल दी है, इसको भी मैं अच्छे से इसमें ही मिक्स कर लूँगी। और मसाले की कोई पाबंदी नहीं है, जो आप मसाले इसमें ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसे सिंपल तरीके से ही बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप घी भी और ऐड कर सकते हो, अगर आपकी जो सेवैया है नीचे लग रही हैं या चिपक रही हैं तो इसमें आप और थोड़ा घी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरी सेवैया जो है नहीं चिपक रही थी, अच्छे से घूम रही थी, तो मैंने इसमें और घी नहीं ऐड करा, तो मैंने इसी तरीके से इनको भून लिया। अभी आप इसमें पानी डालिएगा, पानी का आपको इस तरीके से रखना है कि जैसे मैंने एक कप सेवैया ली है तो आपको 2 कप इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यही इसकी क्वांटिटी रखनी है आपको। तो मैंने 2 कटोरी सेवैयों की ली थी तो मैं 4 कटोरी पानी की डालूंगी, थोड़ा कम कर सकते हैं जिससे कि थोड़ी खिली खिली रहे, वरना इतना ही डलता है। पहले आप थोड़ा डालिए, उसके बाद देखिए कि आपको कितना पानी ऐड करना है, उसी हिसाब से आप इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और नमक मैंने इसमें थोड़ा ही डाला था टमाटर को गलाने के लिए, अभी मैं इसमें थोड़ा और नमक ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत फीकी हो जाती है, तो अभी मैं इसमें और थोड़ा नमक ऐड करूँगी स्वाद के अनुसार। देख लीजिए आप कितना नमक आप इसमें ऐड करना है और ऐड करते रहिए। तो फिर अभी हम इसको ढक कर के पकाएंगे, और अगर आप इसे बिल्कुल खिली खिली चाहते हैं तो इस तरीके से खुला ही पकने दीजिए इसे, और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए और खुला पकने दीजिए, तो ये बहुत ही खिली खिली बनती है। फिर ढककर पकाओगे तो थोड़ी ये चिपक जाती है आपस में, लेकिन अगर ये चिपक भी जाती हैं तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ये पूरी खिल जाएंगी, पूरी खिली खिली सी बन जाएंगी। जब गरम गरम होती है तब आपस में चिपकती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक कर के पका लिया है 5 से 7 मिनट के लिए, और फिर मैंने देखा कि अभी थोड़ा इसमें कच्चापन है, तो अभी मैं इसे खुला ही पका लूँगी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। खुला ही पकाइए इसे, और जब ये तैयार हो जाए तो सर्व कर दीजिए। तो अभी जो हमारी ये गजब सी सेवैया है और गजब सा नाश्ता है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगी, ठंडा होने के बाद बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, खिल जाएंगी बिल्कुल, लेकिन ये अभी गर्म है और थोड़ा इसमें पानी है तो इसलिए ये थोड़ी आपस में चिपक रही हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा गजब की लगी थी। तो मैंने इसे सर्व किया है मिट्टी के बर्तन में, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आया था। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर से बनाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू।